हेलो एवरीबॉडी, अमिता शर्मा फ्रॉम मेट्रो कंप्यूटर्स। आइए आज हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं हम। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम इसको करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, इसलिए जब हम इसका सवाल करेंगे, जब हम इसका सम करेंगे और डिवाइडेशन करेंगे जिस प्रोसेस से, तो उसमें 0 से 7 तक ही हमारे पास रिमाइंडर बच सकता है। इससे ज़्यादा हमारे पास रिमाइंडर बचा तो इसका मतलब हमारा सवाल गलत है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये देखते हैं हम कि डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम कैसे चेंज करते हैं, या हम ये कहें कि कोई भी डेसिमल नंबर ऑक्टल में यदि कन्वर्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है। आइए देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कोई भी नंबर लेंगे, चूँकि इसका बेस 10 है और हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल ऑक्टल में, तो इसका मतलब ऑक्टल का बेस होता है 8। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं। तो कन्वर्ट करने का हमारे पास जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि आप यहाँ 256 लिखें और इस प्रकार से करेंगे। आप जानते हैं ऐसा हम सवालों में गुणनखंड भी हम करते थे, फैक्टर्स में निकालते थे। तो चूंकि हमें 8 में चेंज करना है, इसलिए हम इसमें और इस बेस का भाग देंगे। तो देखिए मैं इसको 8 से भाग देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे सामने 25 है, तो हम 8 की टेबल बोलेंगे कि 25 में कितनी बार जाती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये 3 बार हमारा जाता है। 8 3 24 यानी 8 24 होता है और एक हमारे पास अभी बच रहा है। तो एक जब हमारा बचा तो यहाँ पे ये 16 हो गया यानी 16 हो गया है। तो 16 में जब हम देंगे तो 8 का भाग 2 बार जाएगा, तो 8 2 16। तो आप देख सकते हैं यहाँ अभी कुछ भी नहीं बचा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर हम इसको तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा भाग जा सकता है। हम वापस 8 का भाग देंगे। अब की बार हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं कि 32 8 के टेबल में आता है क्या, 32 आता है क्या। तो 4 टाइम्स में 32 आता है, यानी 8 4 32 यानी 8 4 32 होता है। इसका मतलब 4 बार हमारा यहाँ गया। देखिए आप जो भागफल है वो हम यहाँ लिख रहे हैं और रिमाइंडर हम यहाँ लिख रहे हैं, यानी जितनी बार हमने डिवाइड किया वो संख्या हम यहाँ लिखते जाएंगे और जो रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। जबकि हम भाग करते हैं तो उल्टा होता है। अब देखिए आप 4 बार चला गया, यहाँ भी हमारे पास कुछ नहीं बचा है क्योंकि पूरा भाग चला गया है, तो हम लिखेंगे 0। देख सकते हैं अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 बचा है। आप देखिए 8 में 8 का भाग नहीं जा सकता है क्योंकि 4 छोटी संख्या है और 8 हमारी बड़ी संख्या है। तो अब आगे भाग जाने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए हमारा ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें 8 या 8 से अधिक नहीं बच सकता। यदि 8 या 8 से अधिक बचता है तो आपका सवाल गलत है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सवाल हो चुका है। यहाँ पे देखिए आप जब हम इसको लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि ये हमारा इक्विवेलेंट होगा अगर हम इसको निकालें तो 400, ये हमें प्राप्त हो गया है ऑक्टेन, यानी 256 हमारा डेसिमल नंबर है, उसको यदि ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा जाए तो हमें 400 लिखना होगा। आइए हम माने कैसे कि ये सच है। तो देखिए उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम ये 400 यहाँ पे लिख लें। यहाँ से हम दो चीज़ें सीख रहे हैं एक तरह से, कि हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ करने के लिए हम इसको यदि इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आ जाना चाहिए। तो ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास थोड़ी सी विपरीत प्रक्रिया है। जैसे हमने डेसिमल से ऑक्टल में किया था, 8 का भाग दिया था, और ऑक्टल से डेसिमल में करेंगे तो हम इसके ऊपर 1 8 यानी 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम इसके ऊपर लिख देंगे। 8 8 64 यानी 8 8 64 हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अब आप देखेंगे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हम इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हम 64 को 4 से अगर हम इंटू करते हैं तो हमारे पास आता है 4 चौक 16 6 चौक 24 और 1 27।
4 4 16 24 25। आप देख सकते हैं हमारे पास आया 256। 64 को यदि आप 4 से इंटू करोगे तो हमें मिलेगा 256। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस। अब हम इसको करेंगे 0 को 8 से, तो आप जानते हैं 0 को हम 8 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो हम यहाँ पे प्लस लगा के लिखेंगे 0। फिर हम प्लस लगाएंगे और फिर 0 को 1 से करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट होगा 0। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ चुका है, 256। यानी इनको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 256। तो 256 आप देख सकते हैं कि ये 256 है, यानी कि जब हमने इसमें 8 से इसको रिवाइव किया तो हमने देखा कि 400 आ गया है, और 400 को प्रूव करने के लिए जब हमने देखा तो हम उसके ऊपर 1864 और इसी तरीके से 8 टाइम्स करते चले जाएंगे जितना बड़ा होगा, और उसको उसी तरीके से मल्टीप्लाई करके और फिर सबको जोड़ देंगे तो हमारा परिणाम इसके इक्वेलेंट आ गया। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ से दो बातें सीख चुके हैं, एक तो हमने सीखा डेसिमल नंबर से ऑक्टल में कन्वर्ट करना, और प्रूफ करने के लिए हमने दूसरी चीज़ भी सीख ली कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और बहुत कुछ बताने जाने वाली हूँ, तो देखते रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।